आपको हरियाणा के कोलू डोनर से मिलवाते हैं, उसके एक नहीं दो नहीं 30,000 बच्चे हैं और कीमत कितनी है? कीमत है पूरे 10 करोड़। 24 घंटे गोलू की सेवा में नौकर चाकर लगे रहते हैं। पानीपत से पटना पहुंचे गोलू के चर्चे क्यों हो रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दिल थाम के बैठिए, नजर जमा कर रखिए, आपके सामने हाजिर है हट्टे कट्टे हाथी जैसी काया वाले, 12 घंटे मसाज कराने वाले, डाइट में ड्राई फ्रूट्स खाने वाले, अपनी एक झलक से बड़े बड़ों के होश उड़ाने वाले 10 करोड़ के हरियाणवी सुपरस्टार और दुनिया में सुबह का लठ गाड़ने वाले वर्ल्ड फेमस गोलू डोनर। उम्र 6 साल और नस्ल मुर्रा। गोलू भैंसों का सरताज है, सुल्तान के साम्राज्य की धज्जियां उड़ा चुके हैं। इसके 30,000 हष्टपुष्ट उत्तराधिकारी, यानी गोलू 2 30,000 बच्चों का अब्बा। ये गोलू के मालिक नाम है नरेंद्र सिंह, पशुपालन में पद्मश्री विजेता है। गोलू कौन सी पीढ़ी का है और क्यों खास है बताते। मुर्रा भैंस यानी जिस नस्ल के ये भैंसा है, एक महीने में 1,000 सीमन दे देता है और 1,000 पर सीमन के हिसाब से 300 रुपए का हम बेच सकते हैं। 300 बेच भी रहे हैं तो उसे काफी इनकम हो रही है। कंपटीशन लगता है, देश के कोई से कोने में भी लगता है, हम उसको वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ ये फर्स्ट आता है, इसे काफी इनाम की राशि भी ये जीत चुका है। गोलू का सीमन बेचकर नरेंद्र सिंह सालाना 25 से 30 लाख कमाते हैं। पानीपत से पटना आए, यहाँ वेटनरी कैंपस में पशु मेला लगा है। गोलू की एक झलक पाने के लिए हुजूम उमड़ा, आम तो छोड़ी, गोलू का दीदार करने खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दौड़े दौड़े चले आए। गोलू सिर्फ एसी में रहता है, थकान होती है तो मसाज भी कराता है। नरेंद्र सिंह भी इसका पूरा ख्याल रखते हैं, मसाज के लिए 24 घंटे एक बंदा अपने साथ रखते हैं। गोलू की धाक ऐसी है कि विदेशों तक से लोग इसे देखने आते हैं। जो विदेशों के लोग जो पशुपालन से संबंधित है, अपने फार्म किए हुए हैं, जब इंडिया के एयरपोर्ट को उतरते हैं यानी दिल्ली में उतरते हैं, तो सबसे पहले पानीपत में गोलू डेयरी फार्म पर पहुंचने का कार्य करते विजिट करते हैं। जितना कीमती गोलू है उतना ही उसका सीमन। 24 घंटे खास किस्म की मशीनें भी साथ रखी जाती हैं, जिनमें गोलू का सीमन स्टोर किया जाता है। गोलू का सीमन दुनिया के हर भैंसे को टक्कर देता है। ये सीमन होता है एक भैंस को प्रेग्नेंट के लिए, एक ही सीमन का ये नाइट्रोजन का इसमें रखा जाता है। 15 क्विंटल की मजबूत कदकाठी, उतने ही बड़े शौक। गोलू खुराक में घास फूस नहीं खाता, स्पेशल डाइट लेता है। मेन्यू देखेंगे, रोजाना 35 किलो हरी घास, 5 किलो चने, 5 किलो सेब, 20 लीटर दूध पीता है, 5 किलो ड्राई फ्रूट्स और 10 किलो गुड़ खाता है। गोलू की डाइट पर नरेंद्र सिंह हर महीने 35 से 40 हजार खर्च करते हैं और लाखों कमाते हैं। पटना में लगे पशु मेले में डेयरी एंड कैटल की 50 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और सबकी नजर में सिर्फ गोलू ही सुपरस्टार है, क्योंकि जो भी इसे देखता है वो बस यही कहता है, भाई भैंसा हो तो गोलू जैसा। देखी गोलू डोनर की धाक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।